हेलो दोस्तों, वंस अगेन अ वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट राउंड नंबर 2। बट उससे पहले यहाँ पर आपको आपका एडमिशन किस तरह से सिक्योर करना है वो हम सब कुछ आज के ये वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों राउंड नंबर 2 को किसके नाम से जाना जाता है। राउंड नंबर 2 इज ऑल्सो नोन एज द रीशफलिंग राउंड। रीशफलिंग राउंड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आप जो आपकी कॉलेज है उसको यहाँ पर आप जो है सफल कर सकते हो, यहाँ पर आप उसको चेंज कर सकते हो, आपको जो भी करना है वो यहाँ पर आप राउंड नंबर 2 के अंदर कर सकते हो। बट इसमें दो तरह के टेस्ट केसेस है। सबसे पहले तो राउंड नंबर 2 के अंदर कोई कॉलेज अलॉट हो जाती है तो यहाँ पर क्या होगा, राउंड नंबर 1 की कॉलेज रिवोक हो जाएगी। दूसरे केस में यहाँ पर नॉन अलॉटमेंट आता है, इन दिस केस यहाँ पर क्या होगा, राउंड नंबर 1 की कॉलेज ही कंटिन्यू रहेगी। तो ये दो तरह के यहाँ पर टेस्ट केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पर मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आपको जो है आपका एडमिशन सिक्योर करना है किस तरह से, विद द पेइंग ऑफ टोकन फीस इन राउंड नंबर 1 रिजल्ट। दोस्तों यहाँ पर मैं कहना क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पर आप जो है राउंड नंबर 2 के लिए जा रहे हो। अब राउंड नंबर 2 के अंदर यहाँ पर आपको पहली बात की यहाँ पर आपको कोई कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल गया, चलिए वेल एंड गुड, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप राउंड नंबर 1 के अंदर एडमिशन सिक्योर नहीं भी करते हो ना तो भी चलता है। बट लेट से दैट कि यहाँ पर आप जो है आपका एडमिशन सिक्योर किए बगैर राउंड नंबर 2 के लिए अपीयर होते हो, राउंड नंबर 2 के अंदर कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होती है, तो फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ राउंड नंबर 3 का ही सहारा बचेगा, राउंड नंबर 3 का ही ऑप्शन बचेगा। इसका रीज़न यहाँ पर यह है कि दोस्तों यहाँ पर राउंड नंबर 3 जो है उसमें क्या है, राउंड नंबर 3 के अंदर यहाँ पर आपको वापस से गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए चांस मिलेगा। बट यहाँ पर राउंड नंबर 3 की बात ही नहीं करते, हम सिर्फ यहाँ पर यही डिस्कस करते हैं कि राउंड नंबर 2 के अंदर आपको कोई भी कॉलेज असाइन नहीं होती है, तो यहाँ पर इन दैट केस आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर मैं कहना क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पर आप जो है आपका एडमिशन सिक्योर कर लीजिए टोकन फीस पे करके राउंड नंबर 1 की कॉलेज जो भी मिली है उसके अंदर। इससे एडवांटेज ये रहेगा कि राउंड नंबर 2 के अंदर कोई भी कॉलेज नॉट अलॉटमेंट आता है तो इन दिस केस यहाँ पर आपकी जो राउंड नंबर 1 की कॉलेज है वो यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है एडमिशन सिक्योर रहेगा राउंड नंबर 1 का। दूसरी बात की यहाँ पर जो है राउंड नंबर 1 के अंदर आप टोकन फीस पे कर देते हो, राउंड नंबर 2 के अंदर कॉलेज असाइन भी होती है तो फिर वो क्या हो जाएगी, तो फिर यहाँ पर वो हो जाएगी ट्रांसफर। ट्रांसफर किस में होगी, ट्रांसफर होगी आपके राउंड नंबर 2 की कॉलेज के अंदर। तो यहाँ पर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इजिली, आपको कुछ नहीं करना है, टोकन फीस अपने आप यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। सो या आई होप कि यहाँ पर मैंने आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर दिया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।